सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक एंड आज हम वो स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं जो हमारे ठीक पीछे है। तो इन्वेंटरी तो मैंने सॉर्ट कर ली है, जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। बस एक मैं वाटर बकेट भी लेके जाता हूँ बिकॉज इसकी जरूरत हमें पड़ेगी एंड क्योंकि अभी मेरे पास डिसेंट सी प्रोटेक्शन है तो शायद मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। वैसे भी कौन सा मैं हार्ड कोर ही खेल रहा हूँ, मर भी जाऊँगा तो क्या फर्क पड़ता है। एंड इस ट्री को भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ की एंट्रेंस तो पता नहीं कहाँ पे से है, मैं डायरेक्ट यहीं से घुस जाऊंगा अभी। यार स्लैब क्यों लगा के रखते हैं लोग। तो यहाँ पे स्पॉनर्स है काफी सारे एंड ये क्या स्पॉन हो गया है पता नहीं, खास क्या वो भी आर्मर के साथ है, बहुत तगड़े वाले। इससे मैं निपट तो लूंगा बट टाइम लगेगा एंड इसने मुझे हाफ हार्ट कर दिया है कि शॉर्ट में वॉट। आई होप ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, हमको जल्दी फिर इसका स्पॉनर तोड़ना पड़ेगा जाके, वरना तो ये हमें गायब ही कर देगा, दिखेंगे भी नहीं। ये अपना आर्मर ही ड्रॉप कर देता तो अच्छा होता, हमें इसका आर्मर मिल जाता, अपने डायमंड आर्मर से ज्यादा बढ़िया है। अब जाके हमें मॉन्स्टर हंटर एडवांसमेंट मिली है। वैसे हमने पिछली बार कुछ क्वेस्ट भी शायद कंप्लीट कर ली थी डीप डार्क की, तो इससे कुछ हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो एक बुक मिली है, साथ ही साथ कुछ एक्सपी एंड एक और बुक मिली है। रिवॉर्ड में हमें नेदर स्टार मिला है, देखो हमको विदर को नहीं मारना पड़ेगा। इसको तो संभाल के रख ही देते हैं, जल्दी हमारे पास बीकन भी होगा। एंड इन बुक में क्या लिखा हुआ है, लेट्स माइंड डाउन अंटिल वी कैन फाइंड अ केव। ओ तो मतलब हमें वार्डन को ही ढूंढना था। एंड ये चीज कुछ और है, ये एक तरह की शॉप है क्या? इसमें कुछ रेसिपीज लिखी हैं, ट्राइडेंट की तक रेसिपी है यहाँ पे। ये अभी काम की नहीं है, वापस चलते हैं और वो स्पॉनर तोड़ के आते हैं पहले, क्योंकि अगर उसके जैसे और स्पॉन होते रहे तब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम जा ही नहीं सकते यहाँ पे। अभी भी मुझे लग रहा है कि हम यहाँ नहीं जा सकते, कोई तो मेरे पीछे से मुझे मार रहा है। स्केलेटन है, नॉर्मल सा, चले गए। अभी ये क्या है, कंपाउंड स्पाइडर्स। हद है, मैं मरने वाला हूँ, मर गया, ऑलमोस्ट मर ही गया। यार मरूं तो इसके बाहर जाके ही मरूं, अंदर से तो सामान लाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक केव स्पाइडर कम हो रहा था कि एक के ऊपर एक आ रहे हैं, अभी दूर भी नहीं हट रही यार ये। आई थिंक मैं उसका स्पॉनर, मैंने उसका स्पॉनर तोड़ा भी था या नहीं पता नहीं, वो तोड़ दिया था। तो बस यही है यहाँ पे, वो तो गया। मुझे नहीं लगता आज हम इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, कि जितना ही हमें मार रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। अंदर और भी एक स्केलेटन पड़ा हुआ है जो बहुत तेज चल रहा है, ये शील्ड के साथ साथ भी मुझे डैमेज कर रहा है। जल्दी जल्दी चढ़ ले ऊपर, बहुत बढ़िया। मे बी इससे कोई रेयर चीज हमें मिलती हो, इसीलिए मैं हमेशा ब्लॉक्स लेके आता हूँ इन्वेंट्री में। और मॉब्स नहीं होंगे अंदर तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। इसको जल्दी से तोड़ देते हैं। और कोई स्पॉनर है क्या यहाँ पे? एक और है, एंड ये भी एक और है, इनफैक्ट दो और हैं। अब मेरे पीछे दो पड़ गए हैं, मुझे नहीं लगता आज मैं लूट पाऊंगा इसे। बहुत ज्यादा स्केलेटन है, इसको बात के लिए रखते हैं। यहाँ पे एक विच भी लग स्पॉन हो रखी है। अभी मेरा पीछा करते करते पिछले एपिसोड से घर तक आ गई है अभी। देखो अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ आने की गुस्ताखी कैसे की है इसने, मानना ही पड़ेगा अब इसे। ड्रॉप भी करी तो स्पाइडर आए करी, अभी हमको इस बॉस को भी मानना है। आज हम वैसे एक विलेज को डिफेंड करने वाले थे, लेकिन विलेज को डिफेंड हम करेंगे कैसे, रेड करवानी पड़ेगी शायद, और रेड की हालत में तो अभी मैं हूँ भी नहीं। ये बायोम वैसे मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। यार हर जगह डेजर्ट ही क्यों है हमारे आसपास? ओह यहाँ पे एक और विलेज है, पर ये छोटा वाला है। एटलीस्ट एक विलेज तो मिला। यहाँ चेस्ट में देखते हैं क्या है। देखो एटलीस्ट यहाँ पे अच्छी लूट मिली है, आर्मर वाला एप्रन मिला है मुझे। इसको आई थिंक मैं चेस्ट प्लेट की जगह लगा सकता हूँ, एंड कुछ ऐसा दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है। बट इससे ज्यादा हमारा डिफेंस तो यही कर लेगी डायमंड वाली, इसका बस 3 है, बट रख लेते हैं। एंड यहाँ पे एक और है, कुछ ब्रेड है, कुछ आयरन पड़ा हुआ है। ऐसे विलेज मिलने चाहिए ना पहले, हमें खाली बेकार डेजर्ट वाला विलेज मिला है। एंड ये बेचारा तो फंसा हुआ है, ऐसी जगह पे जनरेट होते हैं ना सही में। अरे धक्का मत मार, मैं बाहर जाने दूंगा तुझे, जा बाहर जा, यहाँ बस डेजर्ट ही दिख रही है। ये है क्या चीज, मार के ट्राई कर लेते हैं। कुछ तो गंदा इफेक्ट दे दिया इसने मुझे, पर मुझे मानना ही था, बहुत गंदा लग रहा था वो। एक डेजर्ट टेम्पल दिखा है मुझे सामने, यहाँ पे सांप वगैरह भी होते हैं तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिलहाल डेजर्ट टेम्पल तो अपना पहले ही जैसा होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हनी बॉटल मिली है मुझे यहाँ पे, ये भी कुछ खाने का है पता नहीं। एंड ये एक फायर ड्रैगन है, गए आई थिंक इसको हम हैच कर पाएंगे एंड देन यूज भी कर पाएंगे। एक डायमंड मिला है, बाकी कुछ गन पाउडर भी है, ये भी ले लेते हैं, काम आएगा। एक और गोल्डन एप्पल मिला मुझे, एरियल एफिनिटी, वो ये एक अच्छा एन्चेंटमेंट है। एक और फायर ड्रैगन एग, इसमें बस नॉर्मल सी चीजें ही मिली है। बेकार डेजर्ट है, खाली है पूरी की पूरी। डेजर्ट में कुछ ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ फिर से वही चीज है, और इस बार मैं नहीं उलझूंगा। यार एक ढंकी प्लेन्स बायोम देने में इनका क्या जाता है, डेजर्ट ही डेजर्ट भर रखी है बस चारों तरफ। अब जाके प्लेन्स मिला है मुझे, फाइनली एक अच्छी बायोम मिली है हमें। एंड आई थिंक इस साइड पे काफी कुछ चीजें हमें मिल सकती है। प्लेन्स बायोम तो हमेशा ही अच्छी दिखती है, इस घर में हे बेल तो पड़ी है। एंड सामने एक मशरूम है, आई थिंक उसकी भी मुझे एडवांसमेंट मिलेगी। एंड ये वाला बोर्ड कितना सही लग रहा है। टेम्परेली अपना सामान यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हमको सामने वाली जगह एक्सप्लोर करने जाना है। यहाँ ऊपर पे कुछ भी नहीं है, बस एक बेड है, क्राफ्टिंग टेबल भी है। मैं अपना स्पॉन पॉइंट तो सेट कर लूँ एटलीस्ट। इनको मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे फूड की जरूरत है। एंड ये क्या है अभी, ये इसका घर था क्या? देखने में तो काफी डेंजरस लग रहा है।
मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, इसलिए वैसे तो ये जगह ज्यादा डेंजरस होने वाली है। यहीं से एक स्केलेटन दिख रहा है मुझे, एक एडवांसमेंट मुझे मिल गई। पहले इस वाले में चलते हैं क्योंकि उधर जाने का तो मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा है ढंग से। बिल्ड करके जाना पड़ेगा क्या इसके ऊपर? ओके रास्ता है यहाँ पे। पिकैक्स हाथ में ले लेते हैं क्योंकि सबसे पहले स्पॉनर ही तोड़ेंगे। नोट ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे। यार इतना अंधेरा क्यों रखते हैं ऐसी जगहों पे? मुझे शलकर जैसी आवाज आई। एंड ये क्या है? कैसी कैसी चीजों से उलझना पड़ेगा हमें यहाँ पे? पिगलिन ब्रूट है, मुझे लग रहा है मुझसे बहुत गुस्सा हो गए। मशरूम स्टेम को ब्रेक करते करते मैं इनके स्पॉनर के पास जाने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ से अंदर ये मुझे मार सकते हैं, दूर रह के मारना पड़ेगा। क्या मस्त एक्सपी मिल रही है इनसे, मैं इसे मारना भी नहीं चाहता हूँ इस वजह से। यार ये आते ही जा रहे हैं, मैं इसके स्पॉनर में टॉर्च भी कैसे लगाऊं? लगातार तो आते जा रहे हैं। थोड़ी और जगह बना लेते हैं अपने लिए। ये बढ़िया एक्सपी फार्म हो रहा है मेरे लिए, लगातार स्पॉन हो रहे हैं। यार ये कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बिल्ड करके आगे जाने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं जाऊंगा तब तक और स्पॉन हो जाएंगे, और वो हो भी रहे हैं स्पॉन। अरे यार ना ये सामने से हट रहे हैं ना मुझे ब्लॉक ब्रेक करने दे रहे हैं। ओके मैंने उस पर टॉर्च तो लगाई, मुझे लगता नहीं है ये टॉर्च से रुकने वाले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरी साइड भी स्पॉनर है। देखो मैं सही था, अभी ऊपर जाने का भी रास्ता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे तोड़ना ही पड़ेगा इसे, और कोई चारा भी नहीं है। एंड ये अंदर ही घुसाया, मैं जा रहा हूँ नीचे। वो भी नीचे आ सकता है अभी, व्हाट? होना ही था ऐसा। यार ये गलत चीज है सही में, इनको सीढ़ियां नहीं चढ़ने देना चाहिए। मैं वेब में फंस गया और अभी ये मुझे मारने आ रही है, बताओ। अभी आई होप कोई ना हो, होप भी क्यों करूँ जब है ये लोग। इस बार तो उतरने ही नहीं दूंगा, तो नीचे आ। अभी जो भी हो मैं जगह घूम भी नहीं पा रहा हूँ इनकी वजह से। ऊपर और होंगे अभी मुझे पता है। एंड नॉर्मल सी लूट है, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट बिल करके जा रहा हूँ ऊपर, ऐसे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये तो स्पॉन होते रहेंगे। ये क्या चीज़ है? अब मैं सोच रहा हूँ ज़ॉम्बी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसके अंदर कुछ है, बहुत बेकार जगह है। उधर वाले मशरूम पे चलते हैं। एंड एक मिनट, क्या अभी मैंने नीचे ब्लॉक लगाया इसके? इसमें हम नीचे ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ये फीचर मुझे माइनक्राफ्ट में भी चाहिए। एंड मैं इसमें बेडरॉक की तरह ब्रिजिंग कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। यहाँ पे कुछ है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो स्पॉनर लटका हुआ था वो कहाँ पे? फिर हमने वो कहाँ पे देखा था? क्या फर्क पड़ता है, बेकार ही है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी एक स्पॉनर है। ये क्या चीज है भाई, स्लाइम के मुंह वाले स्केलेटन स्लोनेस अलग दे रहे हैं। बहुत सारे स्पॉन हो गए, सही है उन्होंने मुझे पानी में फेंका, वरना तो मैं मर ही जाता। मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई लूट थी भी। एंड यहाँ पे पिजन भी आते हैं, इनको मैं ब्रेड थोड़ी खिला सकता हूँ। मैं इन्हें ब्रेड खिला सकता हूँ, पैरट्स एंड द बैट्स। यहाँ पे तो पिजन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेंस नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है माइनक्राफ्ट में। अब इन भाई साहब को देख लेते हैं, ये गेट कीपर है। इससे मैं एडवेंचरर्स गाइड ट्रेड कर सकता हूँ। एंड ये चीज पता नहीं क्या है, देखने से लग तो नहीं रहा है फ्रेंडली होगा। अब यहाँ पे मैं इन्वेंट्री देखूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा पता नहीं। फिलहाल ये तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, अभी उधर पे मुझे एक नई बायोम दिखती है, बाकी तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। रेंडर डिस्टेंस अभी मैंने बढ़ा दिया है थोड़ा सा। एंड मुझे सामने पे एक कलरफुल बायोम दिख रही है काफी ज्यादा। एंड एक और छोटा सा प्लेन्स वाला विलेज है। तो इस एपिसोड को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एंड फिर हमें नेदर में भी जाना है, थोड़ी बहुत मैं माइनिंग भी करूंगा ताकि अपने लिए एक नया और स्ट्रॉन्ग आर्मर बना सकूं। अगर आप लोग यहां तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।